वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर सेल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, व्हाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड वी डिस्कस अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अबाउट सेल थ्योरी। Today we discuss about microscope, protoplasm, genes, DNA, RNA, virus, prokaryotic and eukaryotic organisms. ठीक है students? First हम discuss करते हैं microscope के बारे में। What is microscope? Microscope is a high resolution instrument. ये एक high resolution instrument है microscope. Microscope is a high resolution instrument. ये कैसे हमारी हेल्प करता है? ये हमारी हेल्प करता है जिन चीजों को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो चीजें देख सकते हैं। लाइक सेल, सेल कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज। सेल को हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, तो इसीलिए सेल को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होता है, चीजों को जूम कर देता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप इज अ हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू ऑब्जर्व फाइन डिटेल्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। माइन्यूट पार्टिकल्स जो बहुत छोटे होते हैं साइज में और जिनको हम देख नहीं सकते नेक्ड आई से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप अब दो तरीके का होता है, टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप होता है। वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम इस चैप्टर में दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, एंड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कि व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये हमें ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी पिक्चर विजिबल होगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको यहाँ पे अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पिक्चर विजिबल ही हो रही है स्टूडेंट्स। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी सेल को देखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल को देख सकते हैं, लेकिन इसमें और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करता है, लाइक सेल। ठीक है, एंड इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो होता है 300 to 1500 टाइम्स इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है। ये चीज़ों को इतना बड़ा करके दिखा सकता है हमें। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लेंस विच हेल्प्स टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमें ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइंग करके दिखा सकता है। इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? 300 to 1500 टाइम मैग्नीफाई पावर होती है इसकी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे हेल्प करता है, इसका यूज कैसे किया जाता है एक्चुअल में? इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने देखना है, सपोज यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, सेल है, कोई भी एलिमेंट पड़ा, कोई भी चीज पड़ी है, ठीक है, तो प्लांट का छोटा सा लीफ पड़ा है, छोटा सा स्पीसीज पड़ा है, यहाँ पे हमने सेल को देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो सेल को कैसे देख सकते हैं? सनलाइट की हेल्प से ही हम उस सेल को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लाइट की जरूरत होती है। ठीक है,
तो सनलाइट जो है वो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, इल्यूमिनेट करेगी, ब्राइटनेस देगी, जिसकी वजह से हम इसको देख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को और क्या कहा जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, इट यूजेस सनलाइट टू इल्यूमिनेट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। इसीलिए इसको और क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, लाइट माइक्रोस्कोप। अब एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, इसी में ही कर लेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, इसकी पावर 300 टू 1500 टाइम्स होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसी में ही कवर कर लेंगे, कंपाउंड वाला मैं ब्लैक में लिख लेता हूँ, सो दैट कि हमें डिफरेंस पता लगता है। ब्लैक वाला होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एंड रेड वाला होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। देखो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 300 टू 1500 टाइम्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पावर कितनी है, 1 लाख टू 5 लाख टाइम्स। ठीक है, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो है 1 लाख से 5 लाख टाइम्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेंसेज का यूज नहीं करता है इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, ये किसका यूज करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है इसमें मैग्नीफाई करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस दोनों में ये हो गया, क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके लिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट डिफरेंस है कि ये सनलाइट का यूज करता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखें। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसका यूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें इट यूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये थ्री डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं अगर हमारे एग्जाम में डिफरेंशिएट करना आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का यूज करता है ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है 1 लाख से 5 लाख टाइम्स है। क्लियर है स्टूडेंट सबको, तो यहाँ पे हमारा माइक्रोस्कोप का टॉपिक खत्म हो जाता है। माइक्रोस्कोप इतना सही करना है हमने, और माइक्रोस्कोप की दोनों की पिक्चर्स आपको दिख रही होंगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की भी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक आधी चीज और आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नीडेड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स,